नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग सभी सहारा इंडिया निवेशकों एवं सम्मानित कार्यकर्ताओं व जमाकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन विद पीके पर मैं हूं पिंकू कुमार प्रजापति और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन विद पीके। दोस्तों, सहारा इंडिया कंपनी में जो पैसा आप लोगों का फंसा हुआ है उसको लेकर आपके मन में लगातार कई प्रश्न उठ रहे हैं। सर्वप्रथम आपका प्रश्न है कि सहारा इंडिया का पैसा कब मिलेगा। सभी निवेशकों के मन में यही प्रश्न है कि सहारा इंडिया का पैसा कब मिलेगा, और साथ ही साथ अब उनके मन में निगेटिव क्वेश्चन भी आने लगे हैं कि हो सकता है अब सहारा का पैसा ना मिले। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपका पैसा नहीं मिलेगा। सहारा बंधु, सहारा इंडिया कंपनी में पैसा फंसा हुआ है तो अब हम लोगों को सहारा ही करना पड़ेगा, सहारा ही देखना पड़ेगा। सहारा ने इस तरह से हम लोगों को कुछ ऐसे बेदखल कर दिया है कि अपने लोगों की कुछ बस की बात ही नहीं है। लगातार हम लोगों के द्वारा अनेक अथक प्रयास भी किए जा रहे हैं, फिर भी कुछ हम लोगों को लाभ नहीं देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सहारा इंडिया का भुगतान कब मिलेगा, और साथ ही साथ आप लोगों का जो प्रश्न रहता है कि सहारा का जो पैसा है अगर मिलेगा भी तो किस प्रकार मिलेगा, ऑफलाइन मिलेगा या ऑनलाइन, बहुत ही मार्मिक टॉपिक है। इसी के ऊपर आज का पूरा वीडियो रहने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके पास पहुंच सके। तो सहारा बंधु, हम आपका कीमती समय न वेस्ट करते हुए सीधा यहीं से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सहारा बंधु, सर्वप्रथम आपका सवाल, सहारा इंडिया का भुगतान कब मिलेगा। देखिए दोस्तों, ऐसा है, सहारा इंडिया भुगतान को लेकर कहीं से ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो आएगा नहीं, ना तो कहीं से एकदम कोई ऑर्डर किया जाएगा। बस हम लोगों को एक इंतज़ार करना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो डेट मिली थी, जो केस लिस्टेड है, सितंबर महीने में उसकी सुनवाई होनी है, 4-5 सितंबर को उसकी सुनवाई होनी है। बस उसी का इंतज़ार है, उसके बाद में हम लोगों का भुगतान मिलना स्टार्ट हो सकता है। ये हमारा प्रश्न का जवाब है कि सहारा इंडिया का पैसा कब मिलेगा। तो समझ में आ गया होगा कि जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस लिस्टेड है, उसकी सुनवाई नहीं होती है, तब तक और कोई मार्ग हम लोगों के लिए नहीं है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि सहारा इंडिया का पैसा क्या पोर्टल के माध्यम से ही मिलेगा या अदर कोई भी प्रोसेस है। तो दोस्तों, सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से पैसा हम लोगों का नहीं मिल पाएगा, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो किस प्रकार से मिलेगा? तो दोस्तों, हम लोगों का भुगतान जो है सहारा के ऑफिस से ही मिलेगा, यानी कि सहारा के ब्रांच से ही मिलेगा, और कोई फंडा नहीं है हम लोगों के पास। सहारा के ब्रांच से अगर नहीं मिलेगा तो हम लोगों का भुगतान पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और इसको लेकर ऐसा नहीं है, कई कदम और प्रयास उठाए जा रहे हैं कि सहारा का भुगतान सहारा कार्यालय के माध्यम से ही किया जाएगा। मात्र कुछ ही दिनों की कमी है, अगस्त महीने में आप सभी को बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा सहारा भुगतान को लेकर के। तो दोनों टॉपिक आपके क्लियर हो गए होंगे। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।